कमाल की बात यह है कि राकेश रोशन की इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही इतिहास रच दिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक करण अर्जुन सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी रिलीज हुई है। इसे सिंगल स्क्रीन के साथ मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज किया गया है। ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी रिलीज किया गया है। ना अपने आप में ही अलग है। रिलीज से पहले फिल्म को नए सिरे से प्रमोट किया गया था जिसका असर इसकी पहले दिन की कमाई पर भी देखने को मिला है। करण अर्जुन ने पहले दिन कुल कमाई 26 लाख रुपए की ओपनिंग पाई है। इसके आंकड़ों के साथ ही इस साल की रिलीज होने वाली तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। इसके पहले तुम्बाड़ और लैला मजनू ने बड़ी कमाई की थी। आंकड़ों से समझे तो रिलीज के पहले दिन तुम्बाड़ ने 1,50,00,000 रुपए की कमाई की थी, लैला मजनू ने 30 लाख रुपए की कमाई की थी और अब करण अर्जुन ने 26 लाख रुपए की कमाई की है, वीर जरा ने 20 लाख रुपए की कमाई की है, पुष्पा पार्ट वन ने 16 लाख रुपए की कमाई की थी और रहना है तेरे दिल में ने 20 लाख रुपए की कमाई की थी, कल होना हो ने 12 लाख रुपए की कमाई की थी और रॉकस्टार ने 7 लाख रुपए की कमाई की थी। कमाल की बात यह है कि अजय देवगन की सालों पुरानी फिल्म नाम रिलीज हुई मगर इसने भी करण अर्जुन से कम ओपनिंग पाई। नाम ने सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए की ओपनिंग ली।